कल भी सशक्त होगा और आज भी होगा, अगर महिलाएं सशक्त हुई तो देश सशक्त होगा। खमागनी, मैं चंचल राठौड़ ब्यावर से हूँ। मासा निर्मल कंवर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ। मैं सर्वप्रथम मासा निर्मल कंवर फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता रखी। आज के लिए मेरा शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे वह अपने जीवन के निर्णयों का निर्माता खुद बने। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे वह परिवार एवं समाज के बंधनों को तोड़कर अपने जीवन में अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया प्रसिद्ध कथन है, अगर लोगों को जगाना है तो महिलाओं को जागृत करना आवश्यक है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके प्रति फैली हुई कुरीतियाँ एवं सामाजिक राक्षसी सोच को दूर करना आवश्यक है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, यौन शोषण, वैश्यावृत्ति, बलात्कार एवं आदि ऐसे अन्य विषय। लैंगिक असमानता समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से पीछे की ओर धकेलता है। आटा साटा एक ऐसी ही कुप्रथा है जिसमें लड़कियों को दो या तीन परिवारों के मध्य सौदाबाजी प्रकार की होती है जिससे घर के उम्रदराज लड़कों की शादी की जा सके। राजस्थान में इसी कुप्रथा के कारण बहुत सी महिलाओं ने बहुत कुछ सहा है। ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसे महिला सशक्तिकरण को पीछे की ओर धकेलती है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हर एक परिवार में इसे बचपन से ही प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल 108वां संविधान संशोधन पास होना जरूरी है, जिसके अंतर्गत संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना है। दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। तो में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना जरूरी है, न केवल घरेलू स्तर पर व पारिवारिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये संभव है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था को महिला पुरुष समानता वाले देश को पुरुषवादी प्रभाव वाले देश से बदला जा सके। कानूनी अधिकारों के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके पास सरकार द्वारा किए गए कुछ अधिनियम हैं, जैसे एक बराबर अधिनियम एक्ट 1976, दहेज रोग अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार रोकथाम 1956, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1988, बाल विवाह रोकथाम 2006, लिंग परीक्षण तकनीक नियंत्रण और गलत इस्तेमाल का रोकथाम 1994 एवं ऐसी सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, जैसे हेल्पलाइन, उज्ज्वला योजना, स्टेप, महिला शक्ति केंद्र एवं पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण। जिस तरह से भारत सबसे आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के कारण ही देश में लैंगिक सफलता और आर्थिक तरक्की होगी। अंत में मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। द एम्पावर्ड वुमन इज पावरफुल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड ब्यूटिफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। देयर इज नो फोर्स इक्वल टू वुमन डिटरमाइंड टू राइज। धन्यवाद।